हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं ईटानगर की वीकली मार्केट, जो कि लगती है मंगलवार को हमारे घर के पास। बाकी और जगह भी लगती है, लेकिन हम आपको घुमाएंगे वीकली मार्केट ट्यूसडे को जो लगती है। तो चलिए चलते हैं मार्केट। हसी वादियों से गुजरेंगे हम। देखिए खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत लगता है ईटानगर। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉल्यूशन वेरी लो है, क्योंकि वाहन कम हैं, जो कि अभी आपको कम नहीं दिखाई दे रहे, पर आम तौर पे बड़े शहरों की तुलना में यहाँ पर वाहन कम हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने मार्केट आपको दिखाई दे रही है, रोड पर लगी हुई है और अंदर की तरफ भी है। तो दोनों मार्केट आपको दिखाएंगे, पहले स्कूटी लगाते हैं और चलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं मार्केट में। थोड़ा यहाँ महिलाओं का बोलबाला है, ज़्यादा महिलाएं ही काम करती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो मोस्टली ठेले पर महिलाएं दिखेंगी, जबकि हमारे उधर ऐसा नहीं होता, दिल्ली में या फिर और भी जगहों पर आदमी लोग ही ज़्यादा दिखेंगे, पर यहाँ पर महिलाएं खूब ज़ोर शोर से काम करती हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये नींबू है। यहाँ पर इतना लंबा लंबा नींबू ही मिलता है। सामने आपको प्रॉन्स हैं, मछली है, और आप देख सकते हैं ताजे हैं कि नहीं है मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ नहीं। तो सामने देखिए मछली है, लोग ले जा रहे हैं, खरीद खरीद के पूरी मछली पलटती है। चलिए आगे चलते हैं। ये मोहतरमा लगा रहे हैं इडली, पता नहीं किस चीज़ की इडली है, मुझे तो जो खाते हैं खाते रहें। आगे चलिए, आगे दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉन वेज की मार्केट बहुत बड़ी है, मैं भी आपको नॉन वेज मार्केट भी दिखाऊंगा। मोस्टली लोग यहाँ पर आपको पोर्क और चिकन खाते हुए दिख जाएंगे, और खाते हैं। इस मार्केट में भी हम जब अंदर की तरफ घुसेंगे तब आप देखिएगा कैसा नज़ारा है। ये देखिए नींबू आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लंबे लंबे नींबू होते हैं। और टमाटर का जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है, वो चल रहा है 180 रुपीज़ पर किलो, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसी तरह मार्केट में देखिए यहाँ पर कपड़े वगैरह भी हैं, और इडली और ये पकौड़ियाँ वगैरह भी बनाती हैं महिलाएं। इडली यहाँ खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बड़े मन से खाते हैं। किस चीज़ की इडली है मुझे नहीं पता। ये नर्सरी है छोटी सी, यहाँ से पौधों गोलगप्पे पानी पूरी बोलते हैं यहाँ पर, मोस्टली एरियाओं में भी बोलते हैं, पर ये नींबू वाले यहाँ पर आपको हर जगह दिखेंगे। तो चलिए ये रोड की मार्केट हुई, और अब चलेंगे मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखा दूं, ये सामने से मार्केट का रास्ता है। फिलहाल तो कम भीड़ है, पर यहाँ पर जैसे जैसे समय होता जाएगा बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। घुसते हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट में हरे पत्ते बड़े लोग खाते हैं। देखिए महिला ही है जो काट रही है चिकन। देश भर लोग बड़े मन से खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन वालों के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं। ये भाई साहब हमारे पोर्क काट रहे हैं, ये तौल रहे हैं, वहाँ तराजू पर रखा है तौलने के लिए। ये देखिए एक पीस और उठाया, ये पूरा का पूरा पोर्क है। पोर्क यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है, हर मंगलवार को या और भी जब वीकली मार्केट होती है तो वहाँ से ये पोर्क वगैरह ले जाते हैं। थोड़ी सी कटिंग देखिए इसकी। आगे चलने के से पहले मैं आपको दिखा दूँ, कॉर्नर पर ही इतने सारे चिकन और ये हैं। ये देखिए वो काट रहे हैं पोर्क को, कुत्ते भी यहाँ पर आसपास घूमते रहते हैं चिकन या पोर्क के मांस के चक्कर में। देखिए महिलाएं भी बैठी हुई हैं, ये देखिए पोर्क काट के इसने रखा तराजू पे, तौल रहा है अब। तो दोस्तों बात तो ये है कि जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मार्केट में घुसना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि गेट पर ही सबसे पहले आपको ये सब दिखाई दे जाती है नज़ारे। पर जो खाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है उनको कि खाने की चीज़ वाली जगह पर आए हैं। तो पहले हम देख रहे हैं आगे जाएं, लेफ़्ट साइड में मार्केट है, तो चलिए पहले हम चलेंगे लेफ़्ट साइड की मार्केट पर, और उसके बाद आपको दिखाएंगे अंदर की नॉन वेज मार्केट भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे। ये फल वगैरह, और ये देखिए यहाँ की थोड़ी सी स्पेशल सब्ज़ी, अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो वेट करके आपको पास से दिखाऊँगा। ये बैगन है छोटे छोटे, पता नहीं कैसे बनते हैं कैसे खाते हैं, मैंने तो कभी खाए नहीं, ट्राई भी नहीं करी। ये देखिए छोटे छोटे से बैगन हैं,
इसकी जो डंडी आया हुआ इसको रख देते हैं, इसको उठाते हैं। देखिए इसकी डंडी भी है, फुल बैगन है ये, बहुत ही छोटा सा चिंदी सा बैगन। देखिए तीन बैगन मैंने उठाए, चेक किए और मैंने कहा अब रख दो इसको। ये देखिए बहुत सारे लोग बैगन यहाँ से बढ़िया मज़े से ख़रीदते हैं और खाते हैं, क्योंकि किलो में ज़्यादा चढ़ जाते होंगे ना, छोटे छोटे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाकी लोगों की क्या सोच है मुझे नहीं पता। आगे देखिए नींबू आपको इतने लंबे लंबे हर दुकान पर मिल जाएंगे, ये बीच में रखा है पता नहीं क्या है, करेला, और ये देखिए बीच में रखा है भात करेला। भात करेला तो बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने खाया यहीं आकर खाया एक्चुअली में, अब तो हर जगह मिलने लगा है, और पर पहली बार मैंने ट्राई ईटानगर में ही किया था भात करेला। कैरेट बिल्कुल रैबिट खाने वाली कैरेट, उसमें घास की डंडी भी लटका के रखते हैं ये लोग। ये देखिए सामने कैरेट आपको दिखाई दे रही है लाल लाल मस्त। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा भात करेला, बहुत लोग मन पसंद चाव से खाते हैं भात करेला। परवल टमाटर, ये देखिए सामने भात करेला, चूहे की पूंछ जैसा है, चूहे जैसा लग रहा है लेकिन बहुत टेस्टी होता है खाने में। खीरा है, जीका है, ये छोटे छोटे चिंदी बैगन हैं, ये भी बैगन अच्छे लगते हैं। सामने है पत्ता गोभी और ये लौकी जो कि ऊपर से नीचे से एक तरह की ये है। अब मैं यहाँ खड़े होकर आपको पूरी मार्केट दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी मार्केट, ये पूरी मार्केट है, लेकिन अभी हम पीछे अंदर की तरफ नहीं गए क्योंकि हम उस रास्ते से लेफ्ट आ गए थे, तो हम जाएंगे उस तरफ अभी थोड़ी देर में। ये देखिए लौकी है, यहाँ की लौकी थोड़ी मीठी है, और ये कद्दू है, कद्दू ऐसा वाला मिलता है यहाँ पर। तो अब मार्केट के उस तरफ से निकलकर हम चलेंगे लेफ्ट में अंदर, और आपको उस जो मेन गेट से हम घुसे थे आगे दिखाते हैं कि इस मार्केट में आप क्या क्या और ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए ये है सूखी मछली, यहाँ पर लोग अचार डालते हैं, सलाद की तरह खाते हैं सूखी मछली को, पता नहीं टेस्ट आता होगा मुझे नहीं पता, पर सूखी मछली यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सूखी मछली में से स्मेल भी आती है, पर जब चीज़ खाने की हो तो बिकती भी चाहिए मार्केट में, और वो बिक भी रही है। सामने ये देखिए सूखी मछली, हर दूसरा तीसरा काउंटर लगभग आपको सूखी मछलियों का दिख जाएगा। ये सारी की सारी मछलियाँ यहाँ पर बहने वाली बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र जो कि असम में बहती है, वहाँ से पकड़ कर लेके आते हैं। ये कुछ खाने के लिए बना हुआ काउंटर, आप खा सकते हैं खाना हो तो, थोड़ा यहाँ पर महंगा है हिसाब किताब, पर आगे चलते हैं। तो आपको सामने दिखाई दे रही है सूखी मछली, ये देखिए मछली है कि कीड़े हैं पता नहीं क्या है मुझे तो नहीं पता, पर ये आगे जो दिखाई दे रही है ये कन्फर्म मछली है, इसमें आँखें वहाँ के सब दिखाई दे रही है। एक ग्राहक था उसने उठाई सूंघी और ले ली, और हमें क्या, हम तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये नींबू तो आपको यहाँ पर देश भर के मिल ही जाएंगे, ये हमारे पास चाइनीज़ आइटम, लेना हो लो लेकिन बहुत महंगे देते हैं ये लोग। और चलते हैं आगे, चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम साउथ पिक्चरों का कट्टा। लोग यहाँ पर उसका पॉर्क चिकन और ये सब काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये आ गया साउथ का कट्टा, ये देखिए इससे आदमी मरेगा थोड़ी, चीथड़े उड़ जाएंगे उसके। ये छोटा वाला अगर सिर्फ गर्दन वर्दन काटनी हो तो उसके लिए बहुत धारदार था, ये मैंने तो छुआ भी नहीं वहाँ से इतना। चलिए चलते हैं आगे, और भी यहाँ पर दुकानें हैं। तो यहाँ के जो आम है ना थोड़े से दागदार होते हैं पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, और ये सेब वगैरह भी है यहाँ पर। ये नींबू तो मैंने आपको कहा था देश भर के नींबू हैं यहाँ पर, नींबू ही नींबू मिलेंगे हर जगह। यहाँ पर ये वाले आम भी देखिए थोड़े से दाग दाग वाले आम होते हैं पर अंदर से काफ़ी मीठे होते हैं। फिर हम चले आ गए, ये हमें दिखी तंबाकू, तो हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे तंबाकू। तो ये देखिए ये तंबाकू के पत्ते हैं, ये पिसी हुई तंबाकू है, ये पत्ता है, ये है मुड़ा हुआ पत्ता। किसी को अगर ज़्यादा ही नशा करना है तो पूरा पत्ता ख़रीद ले जाओ और चबा लो खाने के साथ सलाद के रूप में, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा तेज़ चलेंगे यहाँ से, मार्केट में कुछ अब खास रह नहीं गया है, सब चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन अभी नॉनवेज मार्केट रहती है थोड़ा सा दिखाने को, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम पहुँच गए नॉनवेज मार्केट में।
ये हमारा एमसी स्टैन भाई, ये देखिए चश्मा लगा के चिकन बेच रहा है। ये देखिए फुल एमसी स्टैन स्टाइल, चश्मा लगा के, चैन वैन हाथों में। ये पहले मुर्गे को लगाई गांठ और ये तराजू लिया एमसी स्टैन भाई ने और उसको तौलेगा। अभी देखेगा, तौल के वेट करेगा और उसके बाद देगा। ये देखिए इसने एक चिकन डाला। ये आदमी कह रहा था ये नहीं सेम निकालो, तो अब ये अंदर हाथ डाल के पकड़ेगा। ये भागा 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 भागा, पकड़ लिया। ये रहा उधर देखिए वो चिकन, तीनों लोग उसमें रख के आते हैं। ये देखिए पकड़ रहा फिर से, ये पकड़ा भाग गया। फिर दूसरा, ये मिल गया, इसको पकड़ लिया, ये निकाल दिया बाहर। उधर एमसी स्टैन भाई ने चिकन दिया और ये चिकन उसने रखा ज़मीन पे और ये मारा गर्दन पे चाकू। हम तो नहीं देख पाएंगे इसलिए हम चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे मछली मार्केट। थोड़ी सी मछली वछली यहाँ पर रखी हुई है। ये सारी मछलियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की हैं अप्रोक्स। थोड़ी देर आपको दिखाएंगे फिश कटिंग। ये देखिए यहाँ पर उसने फिश पकड़ के उसको दी, वो अब काटेगा। मैं थोड़ा सा और एंगल चेंज करके आता हूँ। ये देखिए मैं आ गया, ये बढ़िया से फिश काट रहा, पंख वंख काटे, आनंद लीजिए इसका। ये इसने मछली के सारे बुलबुले निकाल दिए, शरीर पे जितने भी बुलबुले थे सब निकाल दिए। छोटी छोटी मछली पन्नी में डाल रहा, जिंदा तो मुझे लगी नहीं है, पन्नी में डाल रहा था, पर ठीक है भाई डाल ले, क्या देखना उसको, इतने मछली के बुलबुले ही निकालता रहा। काफ़ी लंबा समय ले लिया इसने बुलबुले निकालने में, कटिंग तो पता नहीं कितने घंटे में करेगा। घिसता ही जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से साफ करके देगा मछली। ये दो आदमी बेच रहे हैं, देखिए मार दिया इसने कट, अंदर से निकालेगा मछली की टट्टी अट्टी बाहर। ये काटा दूसरा, मुंह काट दिया मछली का कच्चे से। ये एक पीस अलग, दो पीस अलग, ये कट, निकाल के इसको पता है कौन सा पार्ट बाहर फेंकना है। खैर सबको ही पता होता है जो जो मछली खाता है। ये मारा कट, हो गई मछली आधी। अब इसके पीस पीस करके वो दे देगा उनको। चलिए आपको दिखाते हैं और क्या क्या इस मार्केट में मिलता है। देखिए इस मार्केट में आपको क्या क्या मिलेगा हम सब दिखाएंगे। तो चिकन तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, ऐसी टोकरी में लाते हैं। ये देखिए बत्तख भी यहाँ पर बिकती है, लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, कबूतर हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, बत्तख हैं। और आगे चलते हैं, ये देखिए बत्तख अब तो आपको साफ ही दिखाई दे रही, बड़ी बड़ी बत्तख। रेट क्या है मुझे नहीं पता इनका, ना मैंने पूछा। बत्तख भी यहाँ पर लोग बड़े मन से खाते हैं, ये पूरी मार्केट। ईटानगर में एक मज़े की बात है, यहाँ पर लोग जिंदा ही चीज़ें ले जाते हैं और अपने घर पर काटते हैं और वहीं बना के एकदम मस्त ताज़ा ताज़ा खाते हैं, ऐसे ये लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मार के भी देते हैं ये लोग। अब ये देखिए यहाँ पर ये मुर्गी पकड़ के ये निकाल देता है, कभी कभी नहीं भी निकाला, अभी नहीं निकाला। ये बत्तख है, फंसी हुई बत्तख। अब ये तो भाई किसी की प्लेट में ही जाएंगी, इसमें तो कुछ शक नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाली है तो ये बेचेंगे। पर ये जिंदा मुर्गे ऐसे निकालते हैं ना, देख के वो हो जाता है। देखिए ये जिंदा मुर्गा, पैर बांधेगा उसके बाद तौलेगा और दे देगा ग्राहकों को। ये देखिए बांध रहा है और इसने निकाल लिया वजन करने का कांटा। हालांकि ये थोड़ा मेहनत का भी काम है, पर इसकी टोकरी देख के मुझे बांस की बड़ा मज़ा आ गया। एटलीस्ट मुर्गे सीधे तो खड़े हो सकते हैं, हमारे वहाँ लोहे की होती है जिसमें मुर्गे सीधे नहीं खड़े होते, इसलिए हेल्थी भी रहते हैं, इसीलिए थोड़ा महंगा भी देते हैं। ये देखिए छांट लो अपनी मर्जी से, सफ़ेद वाला हाथ पे चोच वोच भी मार देगा, पर इनको थोड़ा डर नहीं है। ये देखें असमीज़ में ये लोग कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि असम से यहाँ पर मार्केट लगाने आते हैं। ये भाई मुझसे कहता थोड़ा हमको भी उठाओ, तो हमने इनको भी फ़ोटो में उठा लिया। देखिए कह रहा आइए मार्केट में, कहाँ आएंगे फिर मार्केट में। ये मुर्गे उर्गे तौले जा रहे हैं, मैक्सिमम लेडीज़ ही ख़रीदारी कर रही हैं यहाँ पर। ये आगे से हम निकल गए यहाँ से मार्केट से,
ये सूखी मछलियाँ मैंने आपको कहा था, मार्केट में हर जगह यहाँ पर सूखी मछलियाँ मिल जाएंगी आपको, जितनी मन करे उतनी खाइए। तिरपाल वगैरह इसलिए भी लगा रखे क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। देखिए मछली, ये सब सूखी मछली हैं, ड्राई फिश, तौल के एकदम मसाले की तरह बेचते हैं ये लोग। हमारा मार्केट का दर्शन हुआ पूरा, अब हम यहाँ से धीरे धीरे करके निकलेंगे बाहर की ओर और पहुँचेंगे NH 415 पर वापस, और वहाँ से निकल जाएंगे हम अपने घर। तो दोस्तों देखकर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया। ईटानगर की वीकली मार्केट देखकर, सप्ताह में एक बार ये मार्केट लगती है और थोड़ा सस्ता सामान भी मिलता है। ये मिर्च की विर्च की वैरायटी है यहाँ पर काफ़ी सारी। ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा फल है, मैं दिखाना भूल गया था, अब लास्ट में दिखाता हूँ। लोग यहाँ पर इसे आलू की तरह इस्तेमाल करते हैं, लगभग सभी सब्जियों में डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ बाहर, सामने दिखाई दे रहा है आपको NH 415। इधर से एक तरफ से रास्ता निकल जाता है अरुणाचल में अंदर, और एक तरफ निकल जाता है एयरपोर्ट की तरफ बाहर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपने भाई की वीडियो।